आखिर किसके फायदे के लिए हो रहा है वन संरक्षण कानून 1980 में संशोधन। वन पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वन संरक्षण विभाग ने 2 अक्टूबर 2021 को वन संरक्षण कानून 1980 में प्रस्तावित संशोधनों के मसौदे को सार्वजनिक करते हुए विशेषज्ञों व आम जनता की टिप्पणियों व सुझाव मांगा था। पहले सुझाव जमा करने के लिए केवल 15 दिन का समय दिया गया था, लेकिन जब इसका विरोध हुआ तो सुझाव जमा करने की आखिरी तारीख 17 नवंबर कर दी गई थी। वन संरक्षण कानून 1980 क्या है? वन संरक्षण अधिनियम 1980 को लागू करने का प्राथमिक उद्देश्य वनों की कटाई और वन शासन से संबंधित मुद्दों का समाधान करना था। इससे पहले सभी वन संबंधी कार्य निष्कर्षण पर केंद्रित थे, न कि संरक्षण पर। संरक्षण अधिनियम आने के बाद किसी भी नॉन फॉरेस्ट्री उद्देश्यों के लिए वन भूमि का उपयोग करने के लिए केंद्र की मंजूरी अनिवार्य हो गई। यह अनिवार्य रूप से सभी संस्थाओं, राज्य या निजी के लिए निर्माण, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, ड्रिलिंग, निष्कर्षण आदि के लिए इस भूमि तक पहुंचना मुश्किल था। मंत्रालय द्वारा इस मसौदे को लाने की जरूरत क्यों पड़ी? मंत्रालय के अनुसार 1980 में लागू हुए इस कानून को अब 40 वर्ष बीत चुके हैं, अतः इन 40 वर्षों में देश की पारिस्थितिकी, सामाजिक एवं पर्यावरणीय परिदृश्य में व्यापक बदलाव हो चुके हैं। आइए जानते हैं बुनियादी तौर पर प्रस्तावित संशोधन के मसौदे क्या है। व्यावसायिक गतिविधियों के लिए इस कानून के तहत ढील दिए जाने की कोशिश है, तो दूसरी तरफ 12 दिसंबर 1996 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वन की परिभाषा का इस्तेमाल करते हुए ग्रामीण सामुदायिक संसाधनों को जबरन इसी कानून के जद में शामिल करने की भी कोशिश है। यह कानून स्थानीय समुदायों को वनीकरण के उद्देश्य में सहभागिता के अवसर नहीं देता है। वन अधिकार कानून यानी फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 के अस्तित्व को पूरी तरह से नजरअंदाज करता है, जिससे यह जन विरोधी मंशा को भी दर्शाता है। आखिर क्यों एक्टिविस्ट इन प्रस्तावित संशोधनों से परेशान हैं और अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं? सबसे महत्वपूर्ण संशोधन वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधानों को वन संरक्षण अधिनियम 1980 में शामिल करना होना चाहिए था, विशेष रूप से ग्राम सभाओं को, जिसको वन भूमि पर सामूहिक वन संसाधनों के संरक्षण, सुरक्षा और प्रबंधन के लिए अधिकार प्रदान किए गए हैं। ग्राम सभा ही वह प्राथमिक प्राधिकरण है जो तय कर सकती है कि क्या वन भूमि के लिए किसी भी हिस्से को अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए हस्तांतरित किया जाना चाहिए, चाहे वह गैर वानिकी हो या वानिकी। कानूनी प्रावधानों के अनुसार अब ग्राम सभाएं वन विभाग की कार्य योजना या वर्किंग प्लान विकसित करने में खास भूमिका निभाएगी। वन संरक्षण पर काम कर रहे संगठनों की क्या मांगे हैं? पहली मांग, जंगल से संबंधित बनने वाले कानूनों संशोधनों पर समुचित भागीदारी के साथ वनों पर आश्रित समुदायों, आदिवासी समूहों, पर्यावरण अधिकार समूहों से समिति का गठन कर पूर्व विधायी परामर्श सुनिश्चित करते हुए व्यापक जनवादी प्रक्रिया अपनाई जाए। दूसरी मांग, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 और पैसा 1996 का उल्लंघन करने वाले किसी भी कानून प्रस्तावित संशोधनों को रद्द किया जाए। तीसरी मांग, वन हस्तांतरण की अनुमति प्रक्रिया में वन आधारित समुदायों और ग्राम सभाओं की भूमिका को और मजबूत किया जाए। वन संरक्षण में भी ग्राम सभाओं की भूमिका को फारे के प्रावधानों के मुताबिक लागू किया जाए। आखिरी मांग, वन संरक्षण कानून 1980 के अनुपालन में FRA 2006 के प्रावधानों का समावेश सुनिश्चित किया जाए। जंगल फोड़ी ने वागने रीछे गठाड़ी 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 ने।